हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबीताज ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और आज है क्रिसमस, तो आप सबों को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आप सब कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे कमेंट में शेयर करना। और आज का दिन कुछ हमारे लिए कुछ तो नहीं, मतलब थोड़ा सा लंच और स्पेशल बन रहा है, तो आज मैं आप सबों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा लीजिए। मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती है। वीडियोज़ पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज क्रिसमस स्पेशल में मेरे यहाँ पर बन रहा है फ्राई राइस और चिकन। तो फ्राई राइस के लिए मैंने यहाँ पर दावत रोज़ाना का बासमती राइस लिया है, और इसको ना मैं यहाँ पर दो कटोरी ये वाला कटोरी से नाप के ले रही हूँ। बाद में मुझे थोड़ा सा कम लगता है तो फिर बाद में एक कटोरी और मिलाऊँगी, बस अभी मैंने दो कटोरी लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ वेजिटेबल है जिसमें बीन्स, मटर और गाजर थे। और यहाँ पर देखिए चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, तो भी मैं यहाँ पर फ्राई राइस भी चढ़ाऊँगी। यहाँ पर देखिए एक कटोरी मैं और मिला लेती हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो उसको मैंने फिर साइड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने दो प्याज और कुछ हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी, ये सब मैंने ले लिया है। और यहाँ पर लूँगी अभी तेज़पत्ता मैंने नहीं लिया है, तो तेज़पत्ता भी यहाँ पर मैं मिला लूँगी। और इसको जो अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद इसमें जो चावल है उसको हल्का सा धो के बस मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए साइड में मैंने चिकन रख दिया है, और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को कढ़ाई में अच्छे से गर्म किया। उसके बाद सब मैंने एक ही साथ जितने भी मेरे खड़े मसाले थे, गर्म मसाले, वो मैंने डाला, और प्याज, इसको मैं अभी अच्छे से ब्राउन होने तक भूनूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन में भी पानी डाल के थोड़ा सा उसको मैं बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो गया तो यहाँ पर जो मैंने चावल निकाल कर रखा था उसको मैं धो ली हूँ, और यहाँ पर अब चावल डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर देखिए मेरे चावल जो है वो आधा भुन चुका है, तो अभी जिस कटोरी से मैंने चावल नापा था उसी कटोरी से भी मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ। तो मैंने तीन कटोरी चावल के लिए छः कटोरी यहाँ पर पानी ले रही हूँ, और इसको ना मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी कुकर में ही। और कुकर का जो सीटी का मतलब ढक्कन है उसका मैं सीटी और रबड़ निकाल के इसको साइड पर गर्म कर लूँगी। जब तक पानी मेरा गर्म होगा इधर मेरे जो चावल है वो भी पूरी तरह से भुन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे चावल जो लगभग भुन चुका है, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक टेस्ट अनुसार और थोड़ा सा चीनी इसमें मिला ले रही हूँ। चीनी मिला देने से ना इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा अलग आता है, मतलब अच्छा लगता है खाने। अगर आप खाली राइस भी खाओगे तो खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं मिला के इसको थोड़ी देर भून लूँगी, और इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, तो फिर उसका सीटी और रबर जो मैं निकाल दी हूँ और पानी को अच्छे से उबाल लूँगी। और दादी फ्राई राइस नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैंने प्लेन राइस बना दिया था, और चिकन रेडी हो गया तो वो वहाँ पर उनको मैंने दे दिया है लंच, क्योंकि लंच का टाइम भी हो चुका था। फिर यहाँ पर देखिए जब पानी गर्म हो जाता है तब तक मेरे चावल भी फ्राई हो चुका है अच्छे से। तो अभी मैं ना कुकर पे ही जो चावल है उसको मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, और इसको एक सीटी आने तक मैं इसको पका लूँगी। कुकर में यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ चावल को, एक सीटी आने तक के लिए उसको मैं रख दूँगी। और यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेके प्याज को जस्ट हल्का सा फ्राई कर लूँगी, और जो भी मैंने अभी वेजिटेबल्स काटे हैं उसको मैं अभी यहाँ पर अच्छे से फ्राई करूँगी। तो वेजिटेबल यहाँ पर मैंने बीन्स, गाजर और मटर इतना ही लिया है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और जब चावल मेरा रेडी हो जाएगा तो इसमें मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरा नमक ख़त्म हो चुका था तो मैं नमक थोड़ा सा इस पर निकाल ले रही हूँ, और बीन्स को जल्दी से सॉफ़्ट करना है इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसमें नमक मिला लिया ताकि वो जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए।
और फिर थोड़ा देर इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं गाजर और मटर एक साथ डाल लूंगी। गाजर और मटर डालने के बाद इसको मैं भी ढक के पका लूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उधर देखिए मेरा जो पुलाव है वो भी एक सीटी आ चुका था उसमें, तो अभी उसका हवा निकलने का मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, मैं काजू और किशमिश, ये दो मैंने दो पैकेट लिया जो 10 रुपये के पैकेट आते हैं ना वही वाला, तो इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी इसी वेजिटेबल के साथ में ही, और इसको फिर ढक के थोड़ा देर इसको पका लूँगी। यहाँ पे ना मिहिर भी जो है सो के उठ चुके थे, तो उनको भी मैंने लंच दे दिया है। इनको भी प्लेन राइस के साथ मैंने चिकन दिया है, तो यहाँ पर देखिए उसको भी मैं खिला दे रही हूँ जल्दी से, क्योंकि फ्राई राइस बच्चे जो हैं बहुत कम ही पसंद करते हैं, तो मैंने इसके लिए प्लेन राइस ही रखा है। और यहाँ पर देखिए मेरे कुकर में जो है मेरा राइस रेडी हो चुका है, कितना यम्मी लग रहा है ना। और फिर देखिए यहाँ पर मैं इसको जितने भी वेजीज है उसके साथ यहाँ पर मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और मेरा जो फ्राई राइस था मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, लगभग 2 साल तो लगभग हो ही गए होंगे, तो मैंने बनाया ही नहीं था। मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी था तब मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया है, तो बहुत दिनों बाद आज मैं बना रही थी। लेकिन टेस्ट तो बहुत ही अच्छा टेस्टी था इसमें, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतने दिनों बाद बना रही हूँ, पता नहीं टेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब अपना बना के खुद को सेटिस्फाई कर पाई कि हाँ बहुत अच्छा बना। और यहाँ पर देखिए उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें धनिया की पत्ती मिला दे रही हूँ, अच्छा लगता है, कलरफुल दिखता है, और स्वाद भी धनिया की पत्ती डाल देने से उसका स्वाद जो है और भी मतलब निखर के आता है स्वाद। तो यहाँ पर देखिए मेरा खिला खिला राइस, फ्राई राइस या फिर पुलाव, वेजिटेबल पुलाव जो है वो मेरा रेडी हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पर देखिए रेडी हो चुका है, अभी मैं करूँगी प्लेटिंग। तो आप सबको भी आज स्पेशल लंच पे आप सबका भी स्वागत है, तो प्लीज़ आप लोग भी आइए और मेरे स्पेशल लंच में। कैसा लगा आप लोगों को भी बताइए मेरी ये रेसिपी और मेरा ये कलरफुल सा वेजिटेबल पुलाव, इजी एंड क्विक, कैसा लगा? देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब देखने में इतना सुंदर है, तो सोचिए खाने में। यहाँ पर मैंने कर दी है प्लेटिंग। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। ब्लॉग कैसा लगा, मेरी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करते हुए जाना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।